बिफोर बेड टाइम पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स ये मतलब नहीं कि आप दो तीन घंटे पहले सब कुछ बंद करके बैठ जाओ नींद के लिए वेट करो कितने बजे सो आमतौर तीन बजे से पहले नींद आने में दिक्कत है नींद टूटती बहुत है उनको फिर हमको बताना होता है कि प्लीज आप एक सुबह ले सकते हो फिर बारह एक दो बजे के बाद मत लीजिए मैम कई प्राचीन ऐसी कहावत है कि सुबह का उगता हुआ सूरज आपको देखना ही चाहिए तो मैम ये स्लीप स्लीप के रिलेटेड कुछ है मतलब ये जो एडवाइस सालों से जो हमारी दादी हमारे देती है, तो इसका कुछ या, कुछ हेल्थ है इसका इंपैक्ट सनलाइट जनरली हमारे लिए अच्छी है कपल ऑफ रीजन के लिए एक वो नाइट का स्विच को बंद कर देती है दूसरी अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या वॉकिंग एक्टिविटी आपके दिन को बड़ा ट्यून करती है बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट मोड एंड वी रिलीज ऑफ गुड हॉर्मोन्स बट यू मच वी कैन डू So nobody should force themselves के मेरे को बस बजे उठना उठना ही उठना है तो so जब भी body allow करे आउट ऑफ मैम ऐसे ही रात को हमें लाइट का कुछ ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो ब्लू लाइट अभी कहते हैं तो so, वो कब तक हमें ध्यान रखना चाहिए और so कब लाइट हाँ ब्राइट लाइट जो है वो हमारे जो मेलेटोन सिक्रीट होता है वो डिम लाइट में सिक्रीट होगा तो वो लाइट उसको अलाउ नहीं करती सेक्रेट होना तो ब्राइट लाइट टुवर्ड्स द इवनिंग एंड ऑफ द डे कम कर देनी चाहिए ब्लू लाइट भी उसी का एक लाइट का स्पेक्ट्रम है जो हमारी मेलाटोनिन को थोड़ा सप्रेस करता है hmm. तो बेटर इज कि भी अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल बट इसी नोट पे मैं आप कहना चाहूंगी कि अभी कुछ रीसेंट रिसर्च आई है कि हम जो बहुत फोकस करते थे कि स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दो टीवीज बंद कर दो वो बहुत स्ट्रेस नहीं डालना है तो कुछ लोग टीवी देखते कहते हैं मैं रिलैक्स करता हूँ फिर मैं सोता हूँ तो लेट देम वॉच इट तो बिफोर बेड टाइम पंद्रह आधा घंटा मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स बट ये मतलब नहीं कि आप दो तीन घंटे पहले सब कुछ बंद करके बैठ जाओ नींद के लिए वेट करो सिमिलरली फॉर द लाइट अब ये है कि किंडल पे यू कैन रीड अ बुक अगर आपको नई प्रिंट कॉपी पढ़ना <laughs> फोन्स पे इट्स नॉट ओनली द लाइट इट्स द स्क्रोलिंग या तो जैसे हम स्क्रोल करते हैं द ब्रेन गेट्स वेरी एक्टिव इफ इट गेट्स वेरी एक्टिव स्लीप विल नॉट कम सो बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीन मेजर्स नहीं फॉलो करने चाहिए मैम हमने रात के स्लीप की तो बात कर ली तो मैं ऐसे ही आफ्टरनून के बारे में बात करना चाहूँगा कई लोग खाने के बाद बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं सोता हुआ महसूस करते हैं तो ये पोस्ट प्लेंडियल डिप जो हम लोग कहते हैं मेडिकल भाषा में उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा तब हमें क्या करना चाहिए कितने देर तक सोना चाहिए वो भी आप बताइए सो so, एक फिजोलॉजिकल या अंदरूनी एक डिप है सब में डिप है कि वो दोपहर में बारह एक दो बजे के बीच में डिप आएगा और उस दौरान अगर हमारा लंच हैज़ वेरी हैवी इन कार्बोहाइड्रेट तो डिप थोड़ी बढ़ जाती है एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि मेरी पिछली रात कैसे बीती फिर वो डिपॉर ख़राब हो जाती है तो ये है रीज़न्स अब इफ़ यू फील दैट मैं बिल्कुल क्रिएट फोकस नहीं कर पा रहा फंक्शन नहीं कर पा रहा सो अ स्मॉल नैप दैट इज़ वाई उसका नाम पावर नैप रखा है इज़ बेनिफिशल बट ये है भी कितनी देर के लिए तो आमतौर पंद्रह बीस मिनट और ये है कितने बजे सो so आमतौर दो ढाई बजे के तीन बजे से पहले तो फिर वो आपको जो आगले वाला आने वाला दिन है हाफ रह गया उसमें यू विल फील मच बेटर एंड मोर एनर्जेटिक और मैम ये पावर नैप स्लीप रिलेटेड क्या करते हैं मतलब उसका थोड़ी साइंस आप समझा सकती है कि इतने छोटे समय में हमें कैसे इतने लाभ मिल सकते हम अगर छोटा नैप ले रहे हैं तो हम लाइट स्लीप और स्टेज टू स्लीप तक ही जा पाएंगे जो कि एक रिचार्ज की तरह काम करता है अगर हमने आधा एक घंटा डी स्लीप में चले गए तो फिर हम एक डीप स्लीप में चले जाते हैं तो डीप स्लीप आल्सो हैज़ अ रिफ्रेशिंग कंपोनेंट बट डीप स्लीप से जब हम उठते हैं कुछ समय तक बहुत अनफ्रेश महसूस करते हैं और थके टायर्ड फॉगी सा महसूस होता है तो दिस दैट इज़ वाई सो इट डिपेंड्स अगर हमने काम पे काम करना है उसके बाद तो फिर छोटा नैप लेकर यूल बी एबल टू कम बैक वेरी क्विकली तो अगर डीप स्लीप में चले गए यू विल फील बेटर बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको अच्छा महसूस करने के लिए मतलब मैम जो प्राचीन कालों से एक दो घंटे का वो आफ्टरनून सिएस्टा कहते हैं वो गलत है राइट उसका वो मतलब वो अब सी डिपेंड करता है कि उस टाइम उनकी नाइट स्लीप क्या थी ओके सो मे बी दे स्लीपिंग जब लाइट बिल्कुल सेट हो जाती थी शाम ढली तो सो जाते थे सुबह 4:00 बजे उठ जाते थे तो उनका रात वाज दैट बट द दिन वाज बिकमिंग वेरी लॉन्ग तो उनको दिन के बीच में फिर एक गैप चाहिए था सो आई थिंक जिस कल्चर से हम गुजरे जिस एज से हम गुजरे वी हैव टू कीप थिंकिंग कि हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते चले जाएं मैम आपने कहा कि हम, अगर हम लोग ज्यादा देर तक नैप लेंगे तो उससे हमें अभी तो मतलब नुकसान होगा पर उसका दूसरा नुकसान मेरे हिसाब से रात को भी हो सकता yes. है वो जो स्लीप ड्राइव कहते हैं वो रात तो वो आप समझाइए हाँ तो एक ड्राइव बोलते हैं जैसे स्लीप ड्राइव है जैसे कि खाने की भी ड्राइव है तो अगर हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो फिर हम खाने के लिए जाएं तो भूख अच्छी लगती तो ऐसे ही स्लीप ड्राइव है कि जितना टाइम हम जागते रहेंगे वो हमारी बॉडी में एक ड्राइव बिल्ड होती है फिर रात की नींद विल कम मच बेटर हुँ. तो इसका उल्टा अगर देखा जाए कि अगर अभी मैंने कुछ स्नैक्स खाया और देन आई ट्राई एंड गो कि मैं अब खाना खा लूँगी तो भूख नहीं होएगी ऐसे ही नैप है तो अगर हमने चार पाँच बजे एक डेढ़ घंटे के लिए सो गए तो फिर रात की नींद में वो ड्राइव नहीं रहेगी तो रात की नींद खराब रहेगी तो ये हमारे को समझना है कि अगर हम लंबी नैप करें तो मेरी रात की नींद पे क्या इसका असर पड़ सकता है मैम ऐसे स्लीप को नैप से मतलब थोड़ा रिचार्ज करना वैसे ही दूसरा सबसे कॉमन मेरे हिसाब से कैफीन जो टी और कॉफी जो कहते हैं तो कैफिन का स्लीप पर क्या इम्पेक्ट होता है वो पहले आपसे जानना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग उसके में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे सो so, हमने जो स्लीप ड्राइव की बात करी हमारे शरीर में एक पूरा दिन एक सब्सटेंस इकट्ठा होता है जिसको बोलते हैं कडीनोसिन वो जब इकट्ठा होता रहता है इकट्ठा होता रहता है फिर जब बहुत होता है तो फिर वो नींद आ, की प्रमोशन करता है और सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है अब ये जो कॉफ़ी है ये जहाँ पे ये एक्ट करता है उसको जाके ब्लॉक कर देती है ओके सो इसका मतलब वो नींद आने नहीं देगी तो आपको जगा के रखेगी Okay. तो अगर तो हमने सुबह ली तो फिर भी ठीक है तो अब ये एक और पार्ट है कॉफ़ी का कि कॉफ़ी आपके शरीर में छः से आठ घंटे तक रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन के हमने कॉफी का सोर्स क्या है अपने okay. कपचिनो पी डबल शॉट पिया सिंगल शॉट पिया तो उसमें अलग अलग कैफीन की मात्रा है hmm. ऐसे तो चाय में भी है रेड बुल में भी है कोक्स में भी है कई लोग भूल जाते हैं कि कोक्स दिन में पी लेते हैं इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ कैफीन है वो कैन अफेक्ट योर स्लीप एक तो ये hmm. दूसरा जहाँ पे ये एक्ट करती है कैफीन दैट कैन चेंज विद एज द रिसेप्टर्स कि पहले तो okay. मैं बिल्कुल कॉफी पी के सो सकता था अब मैं नहीं पी पा रहा हूँ एंड hmm. तीसरा हर एक इंसान के रिसेप्टर्स अलग है तो okay. आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं तो पी के भी सो जाता हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं hmm. कुछ कहते हैं मैं बारह बजे के बाद नहीं सो वी डोंट इट्स ऑल हाउ योर बॉडी इज मेड

आई थिंक यू आर सेइंग अपने आप ही पता चलता है बट यूजुअली वी से जिसको अगर जरूरत है कई लोगों को आदत पड़ गई है बिकॉज इट हैज़ अ अलर्टिंग थिंग कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है फोकस बढ़ जाता है तो कई लोग सुबह एक ले लेते हैं एंड देन उनका ठीक रहता है बट जो सपोज पक्का देख रहे हैं कि मेरी नींद ख़राब है नींद आने में दिक्कत है नींद टूटती बहुत है उनको फिर हमको बताना होता है कि प्लीज़ आप एक सुबह ले सकते हो फिर बारह एक दो बजे के बाद मत लीजिए ओके okay. इट डिपेंड्स इंडिविजुअल को क्या इशू आ रहा है मैम कॉफ़ी कॉफी से मुझे याद आया कि जो सामान्य जो हमारा पानी होता है जो वाटर जिसे हम लोग हाइड्रेशन से इक्वेट कर सकते हैं तो इसका स्लिप से कितना आ, गहरा ताल्लुक है क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप कम पानी पियेंगे तो शायद स्लिप पे भी उसका थोड़ा इम्पेक्ट होगा ही होगा uh, तो उसके बारे में आप हम आई थिंक आई एम नॉट टू चेक सम रिसर्च ऑन दिस बट कॉमन सेंस तो यही है कि बॉडी uh, की न्यूट्रिशन एंड द वॉटर तो अगर वो इन एडिकुट हुआ बिकॉज हम पेशेंस नहीं मेरे को खुद अपने आप जज किया है कि मैंने दिन में बहुत कम पिया फिर वो रात को बहुत प्यास लगी फिर वो प्यास लगी वह बहुत पानी पिया जितना पानी पिया उतना वॉशरूम गए सो इट विल ब्रेक द स्लीप सो कोशिश यही करनी चाहिए कि फिर हम ड्यूरिंग द डे वी फिनिश द क्वान्टिटी दैट वी नीड अगर बॉडी को ढाई तीन लीटर चाहिए दो लीटर चाहिए तो वी शुड हैव इट ड्यूरिंग द डे दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे चलिए मिलते हैं